कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल एक साधारण सी बात आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आप देखना, ज्यादातर लोगों के हाथ में लोहे का छल्ला होता है, लोहे का छल्ला, और वो आप देखना कि वो मध्यमा उंगली में ही लोग पहनते हैं, बराबर। और ये बहुत अच्छा भी होता है। लोहे का छल्ला धारण करने का कारण होता है दोस्तों, शनि के पनौती से मुक्ति पाना। शनि की तरफ से जो भी आपको तकलीफें मिलती हैं लाइफ में, जो भी आपको तकलीफ मिलने वाली है या मिल रही है, उन सब से मुक्ति पाना। और भी जो जो दूसरे जो तकलीफें होती है, यदि आपने लोहे का छल्ला अभिमंत्रित करके पहना है दोस्तों, तो जादू टोने भूत प्रेत इन चीजों से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप देखना, जब जब बच्चों की शादी होती है लड़के की या लड़की की, तो उसके पहले जब वैवाहिक रस्में शुरू होती है, उसके पहले उन्हें लोहे का छल्ला पहना दिया जाता है। वजह यही होती है कि कोई भी भूत प्रेत टोना टोटका उनके ऊपर असर ना करे। तो लोहे का छल्ला बहुत तरीके से आपकी मदद करता है। लोहे का छल्ला यदि आपके मध्यमा उंगली में पड़ा हुआ है, तो आप शमशान में भी जाकर के आ जाए, आपको इतनी जल्दी भूत प्रेत का अटैक नहीं होगा जितना उन लोगों के ऊपर होगा जिनके उंगली में लोहे का छल्ला नहीं है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहन लेने मात्र से दोस्तों शनि दबे हुए रहते हैं, शनि आपके ऊपर अपना प्रकोप नहीं दिखाते हैं। जैसे हम गुरु पहनते पुखराज, पुखराज जो गुरु का नंग है वो हम तर्जनी में पहन लेते हैं, जिससे गुरु की कृपा हम पर बरसने लग जाती है। ऐसे ही लोहे का छल्ला धारण करने मात्र से शनि की पनौती आपके ऊपर नहीं लगेगी, प्लस शनि आपके ऊपर खुश रहेंगे और वे जो प्रकोप जो शनि की जो कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ती है वो नहीं पड़ती है, बराबर। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई भी चीज, कोई भी ग्रह, अभी मैंने काफी वीडियोस अपलोड किए सिर्फ छल्लों के ऊपर, चांदी का छल्ला, पीतल का छल्ला, कछुए की अंगूठी, क्योंकि ये सारी ही चीजें अस्तित्व में है। जब आप नंग धारण करते हैं तब तो आप महाराज से पूछते हैं, पंडित से पूछते हैं, और उसके बाद में ग्रह नक्षत्र समय देख करके उसे धारण करते हैं, उसका आप व्यवस्थित जाप पूजा करवाते हैं, उसके बाद आप उसे धारण करते हैं। लेकिन ये जो छल्ले जब आप धारण करते हैं, तो बिना किसी से पूछे किसी भी समय आप पहन लेते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ता है। तो उससे बचने के लिए, या मैं यूं कहूं कि इन चीजों को कब आप धारण करें जिससे इसका इसका वो फायदा आपको मिले जो सच में आपको मिलना चाहिए, बराबर। तो दोस्तों, लोहे का छल्ला आप यदि कृतिका नक्षत्र में पहनते हैं, कृतिका नक्षत्र में लोहे का छल्ला पहन लेने मात्र से दोस्तों आपके ऊपर कोई भी टोना टोटका असर नहीं करेगा, कोई भी भूत प्रेत, इवन मैं तो कहती हूँ जिन्न तक आपके ऊपर असर नहीं करेगा यदि आपने कृतिका नक्षत्र में लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में पहन लिया है। तो कृतिका नक्षत्र हो दोस्तों, वार चाहे कोई भी हो, इस नक्षत्र में आप लोहे के छल्ले को धारण करें। धारण करने से पहले दोस्तों, आप जब भी छल्ला घर में लेकर के आते हैं, हमेशा उसे सरसों के तेल में कुछ देर के लिए डाल करके रखें, बराबर। उसके बाद उस छल्ले को आप बाहर निकाल लें और अपने पूजा स्थान में रखें, काले उड़द के ऊपर, बराबर। उड़द के ऊपर रख करके उसके ऊपर सत्य हो तो नीले रंग के फूल चढ़ा दें, कुमकुम अक्षत चावल वगैरह चढ़ा दे, और आपको मंत्र बोलना है ओम शम शनिश्चराय नमः। रुद्राक्ष की माला से दोस्तों जितने ज्यादा आप जाप कर सकते हैं उतने ज्यादा आप इस मंत्र का जाप कर लें। ज्यादा यदि नहीं कर सकते हैं तो एक माला मतलब कि 108 मंत्र का जाप आप कर लें, उसके बाद ही आप इस लोहे के छल्ले को अपनी मध्यमा उंगली, मध्यमा मतलब कि ये उंगली, ठीक है, इस उंगली में आप लोहे का छल्ला धारण कर लें। दोस्तों, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके लाइफ में किसी तरह का शनि का कोई प्रकोप नहीं रहेगा, टोने टोटके भूत प्रेत इत्यादि चीजों से आप बचे हुए रहेंगे। तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें।
जय श्री कृष्ण।